मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो साझा करके सूबे के लोगों नूं जानकारी दी है। इस वीडियो राही उन्होंने सूबे विच लगातार वध रहे मौत दर ते चिंता प्रकट की। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने सरकार वालों उन्होंने बच्चों को 5000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाएगी, जो इस कोविड महामारी दौरान अपने मापिया ते सरपरस्ता नूं गवा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार वालों इन्होंने बच्चों लिए मुफ्त विद्या और इन परिवारों लिए मुफ्त राशन का प्रबंध भी किया जाएगा। तुसी भी देखो ये वीडियो की कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है। कई बार परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए, और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है, और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा, ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। और अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे, तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे, तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि फिर से वो अपना काम धंधा जीवन यापन के लिए प्रारंभ कर सके। ऐसे दुखी परिवारों को हम बेसहारा नहीं छोड़ सकते, उनका सहारा हम हैं, प्रदेश की सरकार है। ऐसे बच्चों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो प्रदेश के बच्चे हैं, प्रदेश उनकी देखभाल करेगा, प्रदेश उनकी चिंता करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द टीवी एनआरआई।